नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। हर दिन की तरह आपके लिए लेकर आया हूं प्राइम डिबेट। दोस्तों, दरअसल पूरा देश यानी हम आप सब इन दोनों लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी रंग में रंगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव अब अपने चौथे पड़ाव की ओर आगे बढ़ चला है। 10 राज्यों के 96 सीटों पर मतदान 13 मई को होने वाला है, यानी चौथे चरण के बाद लगभग ये तय हो जाएगा कि केंद्र के सत्ता संग्राम में कौन काबिज होने जा रहा है। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के भी 13 सीटों पर मतदान होना है। दोस्तों, संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, न्याय पत्र से होते हुए चुनावी मंच अब पूरी तरह से वोटों के ध्रुवीकरण पर आकर टिक सा गया है। अब तो मन से नारा बुलंद किया जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल की ओर से, वहीं विपक्षी दल यानी इंडिया गठबंधन ऐसे नारों को, ऐसे बयानों को बेजा बताने के लिए सियासी मंच का इस्तेमाल कर रही हैं। दोस्तों, बात पते की है। अब मामला हिंदुत्व बनाम सेकुलरिज्म पर आकर टिक गया है। हिंदुत्व की पहचान बन चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाई अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मन से ये कहते सुने जा रहे हैं कि जो राम का नहीं वो यानी इंडिया गठबंधन के दल देश के क्या होंगे। मन से तो यहाँ तक कह दिया गया कि राम भक्त ही राष्ट्र भक्त हो सकते हैं। दोस्तों, गाहे बगाहे सियासी मन से सैम पित्रोदा तो कभी अडानी अंबानी, आखिर किसके जैसे मुद्दे भी तैरते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, वकालत तो हर एक मन से सियासी दल देश की जातियों में बांटने का विरोध करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो आरक्षण के नाम पर हो या शक्ल सूरत के नाम पर। लेकिन हकीकत तो यही है कि सियासी मंचों से दिए जा रहे ऐसे बयान केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को साधने का जरिया मात्र है। मुद्दे कहीं से कहीं पहुंच रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी एक के बाद एक नए शक्ल ले रहा है और इन सब के बीच मतदाता लगातार उदासीन होता जा रहा है। बहरहाल, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बेहतरीन पैनल के साथ कि आखिर चौथा चरण राम के भरोसे लड़ा जाना है या फिर मुद्दे कुछ और होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहते भी हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जो राम को मानने वाले हैं और दूसरी ओर वो लोग हैं जो राम विरोधी हैं, राम विद्रोही हैं। कौन जाने सियासी दल के तर्कस में और कितने तीर हैं जो जनमत पर छोड़ी जानी हैं। तो चलिए अपने मेहमानों के पास चलें, उससे पहले सुन लेते हैं कुछ सियासी बयान, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। ये चौथे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, इससे पहले 3 चुनाव हो चुके हैं और चौथे चरण के बाद 3 चुनाव और होने हैं। ये बिल्कुल बीच का चुनाव दिखाई दे रहा है, लेकिन जो भाषा हमें सुनने को मिल रही है बीजेपी के नेताओं की, इससे लग रहा है कि बीजेपी के लोगों का बैलेंस डगमगा गया है। 10 साल में आकलन कर लेना, ब्रह्मांड में सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच में है, इंडिया अलायंस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, रेवंत रेड्डी जी कहते हैं कि इसको बचाना है, इसकी रक्षा करना है, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस के नेता कहते हैं इस किताब को बदल दिया जाए, इसको फेंक दिया जाए। भगवान सूर्य का सूर्य तिलक देखा होगा, वे सबके मुंह से एक शब्द जरूर निकलना होगा कि जो राम को लाए हैं। जनता पार्टी साल के 365 दिन जनता के बीच काम करने वाली, उनसे संवाद और संपर्क करने वाली पार्टी। हमारे कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच रहते हैं, उनके सेवा का कार्य करते हैं। हम बाकी पार्टियों की तरह प्रवासी पक्षियों के जैसे चुनाव के समय नहीं आते हैं, हम जनता के बीच लगातार रहते हैं। और अब तक जो 3 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली है, जनता खुल के भारतीय जनता पार्टी के देखिए पहले चरण में जो हवा शुरू हुई है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, वो दूसरे चरण में और बड़ी हो गई, तीसरा चरण आते आते और बड़ी हो गई और ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। जो जो चरण बढ़ते जाएंगे,
त्यों त्यों इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ती जाएंगी और भाजपा हारती जाएगी। चुनाव के लिए तो समाजवादी पार्टी हमेशा तैयार है, उसका कार्यकर्ता जितना एक्टिव है और जिस तरीके से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं अभी तक जो उसमें जोश और ऊर्जा दिखाई दे रही उससे भाजपा नेता बौखला गए और आपने देखा ही होगा कि किस किस तरीके से कार्यक्रम चल रहे। अब वो पूरे तरीके से प्रशासन और पुलिस को सामने ला के चुनाव लड़ना चाह रहे, लेकिन हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो सुना आपने किस तरह से सियासी मंच से सियासतदान बयान दे रहे हैं। बात अगर की जाए तीन चरणों के चुनाव की, तो पहले चरण से लेकर के दूसरे चरण और तीसरे चरण, तीनों में अलग अलग मुद्दे गरमाए। एक के बाद एक ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जिसको लेकर हम लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जन सरोकार की बातें क्यों नहीं की जा रही हैं। कहीं वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है तो कहीं संविधान बचाने की कोशिश हो रही है। मैं दोनों मुद्दों का एक तरह से कहेंगे कि पुरजोर विरोध करता हूँ। ना तो देश भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था इतनी अपरिपक्व है कि कोई संविधान को बदल सकता है, और न ही यहाँ की जनता जनार्दन इतनी समझदार है कि उनको वोटों के ध्रुवीकरण में बांटा जा सकता है। तीन चरणों के चुनाव में साफ तौर पर लोगों को हमने सुना है कि वो अपने मुद्दों को लेकर के, एक बेहतर भविष्य को लेकर के मतदान कर रहे हैं। हालांकि मत प्रतिशत कम है और प्राइम टीवी लगातार ये अपील भी करता है अपने दर्शकों को, अपने देश के मतदाताओं को, कि वो खुलकर वोटिंग में शामिल हों, मतदान में शामिल हों, जिससे एक एक वोट देश का भविष्य तय कर सके। कुल मिलाकर सियासी मंच सजा हुआ है। लेकिन अभी हाल में ही मैं सुन रहा था राहुल गांधी युवाओं को कहते हैं कि नफरत की नहीं नौकरी का रास्ता चुनो, एनडीए नहीं इंडिया की बात सुनो। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कांग्रेस सपा बीएसपी के लिए चुनाव सत्ता पाने का माध्यम है ताकि अपने परिवार के लिए अधिक से अधिक धन लूट सकें। बीजेपी विकसित और आत्मनिर्भर भारत की बात करती है। यानी बयानों का दौर लगातार सियासी मंच से अलग अलग तरीके से आ रहा है और इसको लेकर हर दिन हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। अगले एक घंटे तक इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुद्दे कहां से कहां पहुंच रहे हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदीप जी का स्वागत करना चाहूँगा जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चंचल यादव जी समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, वो समाजवादी का पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रमोद मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं SM अशरफ साहब। सबसे पहले अशरफ साहब से ही हम चर्चा की शुरुआत करें क्योंकि इन दिनों मुद्दे इतने गंभीर होते जा रहे हैं कि या तो वरिष्ठ पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषक से ही मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। अशरफ साहब आवाज पहुंच रही है? भाई चौथा चरण आते आते ऐसा लगता है कि वोटों के ध्रुवीकरण पर पूरी तरह से जोर दिया जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री की आप सुन लें बयान, योगी आदित्यनाथ के बयान सुन लें, या फिर तमाम ऐसे नेता हैं जो ऐसा लगता है कि कोई जो है वोटों को ध्रुवीकरण करना चाहता है, कुछ लोग ध्रुवीकरण को रोकना चाहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं जन सरोकार खोता हुआ नजर आ रहा है। अशरफ साहब जी। जी सर, मुझे तो बड़ी ताज्जुब हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने 10 साल पूरे यहाँ पे शासन किया, 10 साल का पूरा मौका उनके पास था, 5 साल के बाद उन्होंने दोबारा टाइम मांगा, उसको लोगों ने वक्त भी दिया और बहुत थम्पिंग मेजोरिटी के साथ दिया। तो सवाल यह था कि क्या प्रधानमंत्री के पास गोल पोस्ट को चेंज करने की जरूरत क्यों आ रही? उनके पास खुद इतने मुद्दे थे, आपने जो कुछ भी किया है नेचुरल सी बात है कि जनता के पास उसी मुद्दों पर जाएंगे। अगर बेरोजगारी या जो है जो बेरोजगारी महंगाई का सवाल था तो काउंटर भी प्रधानमंत्री को ही करना था कि क्या ऐसी वजह है जो हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। अब अगर आप उसको बदल देंगे तो मैं समझता हूं कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं बचा है जिसको प्रधानमंत्री जी अपनी डिबेट में लेके नहीं आए। आप समझिए कि हिंदू मुसलमान अल्पसंख्यक को सारा हक कांग्रेस दे देगी। अच्छा बताइए 55 साल जो पार्टी सत्ता में रही है उसने क्या दिया है मुसलमानों को? मुसलमान अच्छी तरह जानता है और यही वजह थी कि मुसलमान एक लंबे अरसे तक कांग्रेस से फिर दूर हुआ और उसने अपना ऑप्शन दूसरी पार्टियों को चुन लिया। तो अगर आप ये कहेंगे तो ये बात हमारे बहुसंख्यक हिंदू भाइयों को भी पता है, मुसलमानों को भी पता है।
तो आप भाषण के हद तक तो कोई चीज समझ में आ सकती है कि आप भाषण दीजिए, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि हर फेज के अंदर उन चीज बदल जा रही। किसी एज अगर ठीक है, अगर यही लग रहा है, अब आप कह रहे हैं कि राम मंदिर में ताला जो है राहुल गांधी बाबरी ताला लगा देंगे, अभी कौन सा ताला मुझे नहीं मालूम। तो ये सब बातें हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री जिसको यशस्वी प्रधानमंत्री कहा जाता है, जिसका कहना है कि पूरी दुनिया में डंका बजता है, जब आप ऐसी बातें करते हैं तो बहुत से लोगों के लिए मजाक की बात भी होती है। तो मैं तो अभी भी उनसे ये गुजारिश करूंगा कि चार चरण बचे हुए हैं, आपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि मेरा काम तो है नहीं बीजेपी के प्रवक्ता, वो बताएंगे क्या क्या किया है, आप अपने मुद्दे पर रहेंगे तो जनता पे ज्यादा अच्छा असर होगा, वरना ये चुनाव अपोजिशन नहीं लड़ रहा है, और जहां कहीं भी अगर विरोध है वो जनता ही उस विरोध के नाते निकल के सामने आ रही है और आपके खिलाफ जा रही है। मुझे नहीं मालूम कि चुनाव का रिजल्ट क्या होगा, हो सकता है वापस आप उसी तरह से आ जाएं, लेकिन अभी जो सिचुएशन है अपोजिशन से ज्यादा अपने मुद्दे को जनता पकड़ के बैठी हुई है, इसलिए कोई भी मुद्दा अगर उससे हट के आप लेके आएंगे वो जनता पे बिल्कुल उसका असर नहीं होगा और वो बिल्कुल जो है वो नल एंड वाइट हो जाएगा। जी प्रमोद जी, जी सुना आपने अशरफ साहब को, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि आपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, एक विकसित भारत का नारा दिया था, तो संभवतः उसके इर्द गिर्द ही मुद्दा रहता तो बेहतर होता ना। जी नमस्कार सभी को। जी हम तो उसके इर्द गिर्द ही हैं, हमने तो तीसरे नंबर पांचवें नंबर पर विश्व पटल पर आर्थिक शक्ति बना दी देश को, और जैसा कि हमारा संकल्प भी है 2029 से पहले पहले हम भारत को विश्व की तृतीय सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। इनको बताना है ये कि इन्होंने मुद्दे क्यों बदल दिए, लगातार प्रॉपर्टी रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करना, और ये वही जो संसाधनों पर किसका अधिकार होगा उसके आधार पर इन्होंने कहा एक क्रांतिकारी योजना लेकर के आएंगे, जो ये कहते हैं ना कि हमने कहीं नहीं लिखा, हमने कहीं इसकी चर्चा नहीं की, इनके शीर्ष नेता ने ये एक चर्चा की है कि हम एक उसके बाद पहले सर्वे करेंगे, एक्सरे कर देंगे, और उसके बाद एक क्रांतिकारी नीति ले आएंगे, हम बांट देंगे। मुद्दे कौन भटका रहा है, मुद्दे तो सैम पित्रोदा जी ने अभी क्या कहा, दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी दिखते हैं, पश्चिम भारत के लोग उनको अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर पूर्वोत्तर के राज्यों के लोग उनको चीनी जैसे दिखते हैं। भारत के लोगों को इसी तरह से हमेशा से खंडित करने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को बाधित करने के लिए हमेशा राजनीति के लिए, राजनीति में जो भी आएगा वो करेंगे, तो वे विशुद्ध राजनीति और विद्वेषपूर्ण राजनीति, यही इसका इस पार्टी का दर्शन है। और अगर इतना ही है तो अभी कुछ समय पहले ही राज्यों के चुनाव हुए, वहां पर भी यही कह रहे थे ये, और जनता ने दिखा दिया आईना, चेहरे पर लगे हुए धूल को साफ करने की आवश्यकता है, शीशे को साफ करके चेहरा साफ नहीं हो जाएगा। तो स्पष्टता से देखें, विकास की बात करना है तो विकास की बात कर लेते हैं, अभी आंकड़ों पे बात कर लेते हैं, कितने शौचालय बनाए और 80 करोड़ लोगों तक हमने राशन उपलब्ध कराया, जो आर्थिक स्थिति दहाई के अंक पर छोड़ करके गए थे, सबसे बड़े वित्त के जानकार, वित्तीय मामलों के जानकार आज 5% से नीचे है महंगाई दर, और ये आंकड़ों की बात करें तो क्या क्या गिनाए, इतने गड्ढे कर डाले इन्होंने जी, हम तो गड्ढे भर रहे हैं और भर भी दिए, और अब तो विकसित भारत जो आपने कहा, तो विकसित भारत का सपना लेकर के हमने समयबद्ध तरीके से बताया है कि हम कितने समय में कर देंगे। इनके एक वित्तीय मामले के जानकार थे, उन्होंने कहा था कि 2043 तक हम तीसरी आर्थिक शक्ति बना देंगे, हमने 2023 में वो काम पूरा कर दिया, और अब हम कह रहे हैं 2047 में हम विकसित भारत बना देंगे। ठीक है, तो एक 11वें पायदान पर जो देश था 10 वर्षों में हमने उसको तीसरे पायदान पे ले आकर के खड़ा कर दिया,
उज्ज्वला योजना में लोगों को योजनाएं दी, लाभार्थी पैदा करती है, लाभार्थियों को इतना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत हमने एक बड़ा वर्ग खड़ा कर दिया लाभार्थियों, लेकिन इनका अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण जातीयता के आधार पर, अल्पसंख्यकों को रिझाने के आधार पर एक ध्रुवीकरण करने का हमेशा से प्रयास। प्रमोद जी एक सवाल ले लीजिए, अमेठी से हार गए, वायनाड चले गए, वायनाड से अमेठी आने के कयास थे, हिम्मत नहीं हुई अमेठी में जाने का। एक सवाल मेरा ले लीजिए, 40 वर्षों का विनाश, प्रमोद जी आवाज आ रही है, 5 वर्षों का विकास का जो कार्य देखा है उसमें वो, प्रमोद जी आवाज आ रही है तो एक सवाल ले लीजिए, फिर प्रदीप जी से आपका जवाब ले लेंगे। भाई इतनी सारी उपलब्धियां हैं, मैं तो बार बार यही कहता हूं ना कि हर एक सरकार की अपनी उपलब्धियां होती हैं, उसको लेकर के जनता के बीच में जाए। अब ये सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता है कि जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त होगा? मन से ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं? ये तो वोटों के ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द जा रहा है। हम तो ये मानते हैं भाई कि देश ने बहुत तरक्की की है, बहुत सारी योजनाएँ ऐसी रहीं जो वाकई एक नया कीर्तिमान बनाई हैं, लेकिन इस सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत पड़ गई? नहीं नहीं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा विनम्रता के साथ आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, और मैं संशोधन कर देता हूँ। हम पे आरोप लगाए जाते थे ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और ये लोग सभी लोग कहते थे, और राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही कहना होता था कि राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद एक राजनीतिक विषय है, और अगर वो राजनीतिक विषय है तो वो हमने राजनीतिक विषय को कैसे खत्म कर दिया? हमने तो, हमारी तो आस्था का विषय था, हमारे लिए तो वो राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय था, हमारे लिए वो प्रतिबद्धता का विषय था, और हमने वो मुद्दा ही समाप्त कर दिया। भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरे राष्ट्र ने देखा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि राम की सार्व, भगवान श्री राम की सार्वभौमिकता पर प्रश्न उठाने वाले लोगों को हम जवाब ना दे तो ये कैसे संभव है? ठीक है, इनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है कि इनके सहयोगी दल और ये स्वयं जो सनातन को HIV और एड्स और डेंगू जैसे शब्दों से का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रदीप जी से जवाब ले लेते हैं परिभाषित करने के लिए। प्रदीप जी सुना आपने, उनके साथ खड़े हैं या उनके विरोध में खड़े हैं? ठीक है, प्रदीप जी जवाब दे देंगे। स्पष्ट है जी, प्रमोद जी आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, अब जरा प्रदीप जी का जवाब ले लें। प्रदीप जी सुना आपने? जी हाँ निश्चित संजय जी, देखिए आप देखिए इनकी रामराज की अवधारणा में इस देश का किसान नहीं है, इनकी राम प्रभु श्री राम की राज की अवधारणा में इस देश की महिला नहीं है, इस देश में राम इनके रामराज की अवधारणा में इस देश का नौजवान नहीं है। अगर होता तो देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के नौजवानों से 20 करोड़ रोजगार देने का वादा करते करते 12 करोड़ रोजगार छीन न लिए होते। अगर इस देश इनके प्रभु श्री राम के की ये कल्पना, उनके राज्य की कल्पना में अगर परिकल्पना में अगर महिलाएं होती तो इस पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं और प्रज्वल रमन्ना अंतर्राष्ट्रीय नेता इनके जर्मनी चले जाते हैं, उसके साथ ही पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन उनको समर्थित करता हुआ नजर, संरक्षित करता हुआ नजर नहीं आता। देश का किसान अगर इनके एजेंडे में होता तो तीन काले कानूनों के लिए खिलाफ अगर किसान आंदोलन चला रहा होता तो इनका गुंडा गृह राज्य मंत्री उनका बेटा उनके सीने पर गाड़ी ना चढ़ा रहा होता और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उसको संरक्षित करती हुई नजर नहीं आती। तो निश्चित तौर पर विकास के आंकड़े बता रहे थे, विकास के आंकड़े आपके आपने के आंकड़े बताते बताते इन्होंने ये नहीं बताया कि आज किसानों की आय इन्होंने 27 रुपये प्रतिदिन कर दी है, कर्जा 74,000 रुपये कर दिया है। ये इनका विकास है, इस देश के किसानों का विकास है। और जब आप बात करते हो उज्ज्वला योजना की बात करते हो, उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर महोदय आपने दिए हैं वो आज कपड़े सुखाने के काम आ रहे हैं। तो इन मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस देश का नौजवान आपसे रोजगार के मुद्दे पर बात करना चाहता है, इस देश का किसान आपके काले कानून और आपके समर्थन मूल्य पर बात करना चाहता है, इस देश की महिला सुरक्षा पर बात करना चाहती है, और तीनों पर देश ना तो देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं ना देश का भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बात करता है। लगातार आप मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस देश की नौजवान ने, इस देश के किसान ने, इस देश की महिलाओं ने तय किया है, हम डटे रहेंगे रोजगार पर, हम डटे रहेंगे महिला सुरक्षा पर, हम डटे रहेंगे
किसानों के अपमान पर, क्योंकि आपने हमें आतंकवादी कहा है, आपने हमें उग्रवादी कहा है, आपने हमें देशद्रोही कहा है। हम अपने हक की बात करते हैं, हम इस देश के अन्नदाता हैं, हमने इस देश को अन्न से आपके पेट भरे हैं, और आप हमें आतंकवादी कहोगे, देशद्रोही कहोगे, और अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे सीने पर गाड़ी चढ़ा दोगे, उसके बाद कहोगे रामराज की कल्पना है। निश्चित तौर पर रावण राज की कल्पना है। रावण के राज्य में ऐसा हो सकता है कि देश की जनता के सीने पर गाड़ी चढ़ा दी जाए, महिलाओं को निर्वस्त करके घुमाया जाए, और नौजवान हक की बात करें तो उन पर लाठियां चलाई जाए, और वांड निकालते निकालते जितनी वांड निकालते सारी की सारी घोटालों की भेंट। एक वांड बता दीजिए, या एक वांड बता दीजिए आप जो घोटालों की भेंट ना चढ़ी हो। और बताइए महोदय, आप कांग्रेस के राज्य की बात करते हैं, हमने 50-55 सालों में अगर इस देश में पेट्रोल के दाम 30 रुपए किए थे तो आपने 100 रुपए कर दिए। अगर हमने 50-55 सालों में डीजल के दाम 30 रुपए या 32 रुपए तक किए थे, आपने लगभग 100 रुपए की कैटेगरी में डीजल के दाम कर दिए। हमने दाल 65 रुपए की थी, आपने 250 रुपए कर दिए। आप लगातार आप 1-5 चीजों के दाम बताइए जो 10 साल के कार्यकाल में जिनके दाम आपने गिराए हों। आप बात करते हैं ये देश में महंगाई, देश की तरक्की पर बात करते हैं, तरक्की के नाम पर एक कदम तो बताइए महोदय। निश्चित तौर पर आप, क्योंकि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आज होना तो ये चाहिए था कि देश के प्रधानमंत्री को अपने 10 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था। आपने रिपोर्ट कार्ड देने के बजाय नए जुमले के साथ आप देश की आवाम के बीच में आए। देश मुझ रहा, बुलेट ट्रेन कहाँ है, स्मार्ट सिटी कहाँ है, इन सवालों पर प्रधानमंत्री मौन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता मौन है। इन सवालों का जवाब देश की आवाम ढूंढ रही है। चूंकि जवाब आपकी तरफ से नहीं आ रहा तो बैलेट पर आपको जवाब देने जा रही है। ठीक है चंचल जी, आवाज आ रही है, लग रहा है कहीं आप सफर पर हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। चंचल जी, सवाल यही हो रहा है कि चरणबद्ध तरीके से जिस तरह से मुद्दों का भटकाव देखने को मिल रहा है, अब ऐसा लगता है कि चौथे चरण में वोटों के ध्रुवीकरण से लेकर के शक्ल सूरत तक पर बात बनाई है। जी निश्चित तौर से आपने बहुत सी बात कही, और मैं सबसे पहले धन्यवाद करूं इतने बेहतरीन मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री। हेलो जी जी, आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। चूंकि प्रधानमंत्री, आप देखा होगा फर्स्ट चरण से लेके सेकंड चरण, थर्ड चरण, तो आप तो अकबक बोलने लगे हैं। आप सोचिए जिस तरीके से उन्होंने अडानी और अंबानी जी को इन्होंने ये बोला कि, देखा होगा आपने कि टेम्पो में भर भर करके काला धन राहुल गांधी जी कांग्रेस के शहजादी को एक तरफ आप कहते हो कि भ्रष्टाचार मैंने खत्म कर दिया, वही दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री जी बताओ बोरे में भर भर करके टेम्पो में भर भर करके काला धन दिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में है। संजय जी, इतना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, और प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण देते हैं और आए दिन झूठ बोलते हैं। उन्होंने क्या बोला, कहा कि आदरणीय राहुल गांधी जी अपने किसी भी आचार संहिता लगने के बाद किसी भी प्रोग्राम में अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा चंदा मिल गया। और कैसे मिला, वो टेम्पो में भर भर करके अरबों रुपए मिल गए। अब आप खुद सोचिए कि, मेरा ख्याल है आप देखते भी होंगे, आप एक संजीदा पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, कि आपने देखा वो जिस तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी ने लगातार जो है ये उद्योगपतियों की सरकार, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, वो 22 लोगों की सरकार है, 5 लोगों की सरकार है, बराबर जिक्र करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा आदरणीय मनमोहन सिंह जी को कोट करते हुए उन्होंने क्या कहा था कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं था। तो प्रधानमंत्री जी केवल झूठ फैलाने में आज के समय में अगर आप देखिए तो केवल और केवल झूठ बोलने में आगे हैं। और इसलिए आपने जो डिबेट रखी है कि मुद्दों से भटकाने की जो बात है, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आदर्श गांव का बात करते, स्मार्ट सिटी की बात करते थे, 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, 100 दिन के अंदर कालाधन लाने की बात करते थे। आपको याद होगा कि हमें कोई भी रणनीति बनानी पड़ेगी, किसी भी तरीके से जो है कोई कमेटी बनानी पड़ेगी, समिति बनानी पड़ेगी, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तो भी हम कालाधन लेके आएंगे। क्या हुआ उसका, आज बताओ विदेश में कालाधन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। और आज हालत यह है, महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अबकी बार मोदी सरकार किनारे बड़े बड़े होर्डिंग पूरे देश में लगाए गए, पूरे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े प्रचार किए गए, प्रधानमंत्री जी का नूरानी वाला चेहरा बड़ी बड़ी होर्डिंग से लगाए, बड़े बड़े कटआउट लगाए गए। क्या हुआ,
डीजल पेट्रोल के दाम देख लो, गैस सिलेंडर के दाम देख लो। मैं बता दूं संजय जी, मैं गांव में इस हम लोग प्रचार कर रहे हैं, गांव की महिलाएं इस बात को जिक्र कर रही हैं कि बाबू बतावा यह मोदी है ना, जो 6 रुपया का नमक हुआ होता वो सीधे 32 रुपया का होता, 28 रुपया का होता, ये जनता कह रही है। और पता है गाँव में ये मुद्दा है आज के समय में महिलाओं को कि बाबू यह मोदिया है, इसे मतलब बता रहा हूँ आपको बात, यही मोदी जी है ना जो कोरोना वैक्सीन लगा दी, आज लोगों की जान पर बनाई है, लोग गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, गिर के मर जा रहे हैं। आज पूरे देश में भय का माहौल है, आज इंसान जो है इतना भय में है, आज आम जनमानस इतने भय में है, और इनको किसी भी तरीके से इनको हटाना चाहती है जनता। मैं बता दूं आपको कि लोगों ने एकदम प्रण ले लिया है कि अब नहीं, अब नहीं, बार बार नहीं, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, हमारे पूर्वांचल में कहावत कही जाती है। अब मोदी जी के जुमले में झांसे में गारंटी में कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे झांसे बहुत सारे वादे जनता के बीच में किए, अब उनके ऊपर चर्चा भी नहीं करना चाहते। आप सोचो तीन हमारे जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है, एक कहते लाल आग दिखाऊंगा, क्या हो गया भैया? आप बताओ आज के समय आप बात करना चाहते हो, बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी छोड़ रहे थे, अभी अभी पूछ लो कि देश के ऊपर कर्जा कितना हो गया। 2014 के पहले जितने सारे प्रधानमंत्री लोगों ने मिल करके देश के ऊपर जो है 55 लाख करोड़ कर्जा था, और हमारे प्रधानमंत्री 18-18 घंटे मेहनत करके देश के ऊपर 155 लाख करोड़ कर्जा, और आमदनी भी तो भाई 2.5 गुना बढ़ी है। किसकी आमदनी बढ़ गई? प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए, 634वें नंबर का धनी था अडानी। नहीं नहीं, प्रति व्यक्ति आय की बात मैं कर रहा हूँ चंचल। किसकी आय बढ़ गई? प्रति व्यक्ति आय। किसकी आय बढ़ गई आप मुझे बताओ ना। आज मैंने बताया तो कि संजय जी 6 रुपए का नमक 7 रुपए का आता था, जो सामान्य सी बात बताऊं आपको, मस्टर्ड ऑयल 70 रुपए 75 रुपया से 200 रुपए पार कर दिया जी। आज गरीब आदमी को अपने बच्चे को पढ़ाना दूभर हो गया है जी। चलिए प्रमोद जी से आप लोगों के आरोपों का जवाब ले लेते हैं। लोगों की लागत बढ़ गई है, लोगों के खर्चे बढ़ गए हैं। आप बताओ हिंदुस्तान में 83% युवा बेरोजगार है, 83% सरकारी नौकरियां खत्म कर दी आपने। ठीक है, इनकम कहां से बढ़ गई? ठीक है, इनकम बढ़ी है। आप उस प्रोपोर्शनेट में देखते हो कि भाई कुछ लोगों की इनकम, जैसे आप समझिए कि देश में जितना 22 लोगों के पास पैसा है, वो हमारे हिंदुस्तान के 70 करोड़ आबादी से ज्यादा पैसा केवल 22 लोगों के पास है। ठीक है, आप उसके प्रोपोर्शन में देखोगे तो आमदनी बढ़ी जाएगी, दिखी जाएगी। ठीक है, प्रमोद जी से जवाब ले लेते हैं। अभी आपको मालूम हो जाएगा आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है। ठीक है चंचल, प्रमोद जी से जरा जवाब ले लें। प्रमोद जी आवाज आ रही है? प्रमोद जी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ प्रमोद जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है लेकिन मैं इससे डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ हेलो। हेलो हाँ, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है भाई। विपक्षी दलों का, चाहे कांग्रेस की बात की जाए या समाजवादी पार्टी के, इनका सीधा आरोप है कि आपके 10 साल के कार्यकाल में गरीब गरीब हो गया और अमीर अमीर होते चले गए, और दूसरा ये कि जनता को केवल आपने जुमला दिया है। हेलो जी, आवाज आ रही है? बहुत आपकी स्लो आवाज आ रही है, अपने उनको बोलिए ना जरा। प्रमोद जी की आवाज बढ़ाई जाए भाई, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। नहीं आ रही है। प्रवक्ता भी जो बोल रहे थे उनकी भी आवाज सुन नहीं पाया मैं। दो सवाल था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से कि 10 साल के कार्यकाल में गरीब गरीब होता चला गया और अमीरी ऐसी रही कि 20 परिवारों के बीच उतनी संपत्ति आ गई जो देश के बाकी आबादी के पास है, और दूसरा ये कि आप लोगों ने विकास के नाम पर केवल जुमला दिया है लोगों को। चलिए संभवतः इनके पास नहीं आ रहा है। अशरफ साहब जी सर, अभी प्रमोद जी से संपर्क करने की कोशिश हो रही है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि भाई देश के में तमाम आंकड़े रखे जाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की ओर से या हो या विपक्ष की ओर से, भाई बाहर कहा जाता है कि आय दोगुनी हो गई, चंचल जी ने जो बात कही वो भी आपने सुनी, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि कुछ परिवारों तक ही देश की परिसंपत्तियां सिमट कर रह गई हैं। आपको क्या लगता है जनता इन बातों को लेकर के चर्चा करती है? ऐसा है, ये राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोग अपने हिसाब से, राजनीतिक लोग अपने हिसाब से हर बात का उनके पास जवाब है। मैं सिर्फ बेसिक बात कर रहा हूँ
जब 10 साल प्रधानमंत्री ने यहाँ शासन किया और ये कहने में लोगों के एक परसेप्शन क्रिएट किया कि साहब इससे बेहतर शासन आजादी के बाद से आज तक नहीं आया। चलिए हम हर बात को आपकी मान लेते हैं, आपने 400 पार का नारा दिया, उसको भी लोगों ने एक बार कबूल किया कि हो सकता है 400 आप आ जाओ। फिर सवाल ये है, जब 405 का आपने नारा दिया था तो फिर क्या जरूरत थी आपको लोगों को ये बोलने की कि 400 हमें इसलिए चाहिए कि हम आके संविधान बदल दें। आज मुश्किल इनके सामने दूसरी खड़ी हो गई है। अब ये टाइम नहीं बताने का आपने क्या किया अशरफ साहब, ये तो कांग्रेस वालों ने वो उठा दिया ना मुद्दा कि भाई 400 पार का नारा ये बात कांग्रेस की नहीं होती, कांग्रेस की बात कौन सुनता था। जब जनता के मुद्दे की बात होगी तो उनको समझ में आती है। या आपके लोगों को सोचना चाहिए था कि हमें ऐसी बातें बोलना चाहिए कि अनंत हेगड़े के बोलने की क्या जरूरत है, लल्लू सिंह को बोलने की क्या जरूरत है। सवाल इस बात का है कि उसके लिए और भी तो रीजन हो सकते थे कि 400 हमें क्यों चाहिए। और 400 अगर संविधान बदलने के आपका नेता आप सैम पित्रोदा को पकड़ के बैठते हैं तो सैम पित्रोदा है कौन, तो इसी तरह से अनंत हेगड़े को भी पकड़ा जाएगा क्योंकि आपके पार्टी के हैं वो। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि मुद्दा आपने पकड़ा दिया। अशरफ साहब, सैम पित्रोदा पे इसलिए सवाल खड़ा किया हम लोगों ने क्योंकि वो कांग्रेस के वो वर्षीय अध्यक्ष थे, कल ही उन्होंने पद से इस्तीफा भी दिया। अनंत हेगड़े कौन है? हाँ, अरे अनंत हेगड़े कौन है, लल्लू सिंह कौन है सर? ठीक है, इसकी नहीं हो रही भाई। ये कह रहा हूँ कि या तो इससे आप बिल्कुल बच जाइए कि पार्टी का कोई आदमी अगर हमारा कहेगा तो आप नहीं मानोगे, दूसरे का कहेगा तो आप उसको ग्राउंड बनाओगे, तो ये इक्वल नहीं चल पाएगी, ये जनता तय करती है। हाँ बिल्कुल, ये सबसे बड़ी गलती। मेरा सवाल यही था अशरफ साहब, मेरा सवाल यही था कि क्या जनता चला गया, ये जो मुद्दे के भटकाव चल रही है। मेरी बात सुन ले सर, ये इतना जमीन तक चला गया कि आज मजबूरन मोदी जी को 50 बार बोलना पड़ा कि अंबेडकर जी भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदला जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं मोदी जी, इतना आसान चीज नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका यह हिडन एजेंडा है, कहां कहां एक एक आदमी को आप समझा पाएंगे। पहले आप 20% मुसलमानों को माइनस कर देते थे तो 80% की मेजोरिटी आप लेके जाते थे जी। आज प्रधानमंत्री के सामने ये खड़ी हो गई जो उस 80% के अंदर डिवीजन हो गया। अब दलित सोच रहा है संविधान ना बदल जाए, पिछड़ा सोच रहा है कहीं मेरे दिक्कत ना आ जाए, ओबीसी सोच रहा है कि कहीं आरक्षण इधर से उधर ना हो जाए, ओबीसी सोच रहा है कि आरक्षण इधर से उधर ना हो जाए। जो लड़के 2014 में 20 साल के थे आज वो 30 साल के हैं तो अभी तो नहीं चलेगा ना कि पीछे क्या हुआ। 10 साल में अगर उनके सामने जॉब्स की प्रॉब्लम है तो वहां जात बिरादरी टूट गई। ठीक है, संभवतः प्रमोद जी से संपर्क हो गया। प्रमोद जी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक। प्रमोद जी, सवाल तीन उठ गए हैं। एक तो ये कि देश में 10 साल में गरीब गरीब होता चला गया और अमीर अमीर होते चले गए। दूसरा, कांग्रेस का ये आरोप था कि आप केवल विकास के नाम पे जुमला दे रहे हैं। और तीसरा, अशरफ साहब ने ये उठाया कि जनता जो है, आप लोग जिस तरह से मुद्दे बदल रहे हैं, चाहे वो आरक्षण का मामला हो या अल्पसंख्यकों का मामला हो, जनता एक तरह से लग रहा है कि जैसे गुमराह सी हो रही है। बड़ा हास्यास्पद लगता है। अस्सी करोड़ लोगों तक अनाज उपलब्ध कराना और जब देश एक विश्वव्यापी समस्या से जूझ रहा था जी, जनधन योजना में हमने 47.5 करोड़ लाभार्थी को हमने लाभ पहुंचाया है। जो ये कह रहे हैं, अभी कह रहे थे किसानों के बारे में भी, समर्थन मूल्य लगभग हमने दुगना कर दिया, प्रति व्यक्ति आय 86,000 से 1,80,000 तक पहुंचा दी। रिटेल इन्फ्लेशन 11.12% था 2014 से, पूर्व 5% से नीचे है। लेकिन ये बतावे, कर्नाटक में फ्री बिजली देने का वादा किया था, पूरा किया? 1500 रुपए प्रति महिलाओं को देने का वादा किया था हिमाचल में, क्या पूरा किया? न्याय यात्रा पर न्याय पत्र एक निकाला था 55 वर्षों के शासन काल के बाद भी लोगों ने अस्वीकार कर दिया, और 55 वर्षों के बाद आज न्याय की बात कर रहे हैं। अभी याद आया इनको न्याय करना, और अभी आपने कहा कि आरक्षण के लिए तो वो भी लोग सोच रहे हैं कि कहीं हमारा जो हमारा आरक्षण काट करके किसी और को तो देने की बात नहीं कर रहे। वेल्थ क्रिएटर्स के बारे में ये इस तरह की भावनाएं रखते हैं जी, और खुद समझौते करते हैं अपने राज्यों में।
लड़की हूं, लड़ सकती हूं बाकी जगहों पर, लेकिन अपने राज्यों में नहीं। कर्नाटक में इन्हीं के पार्षद के बिटिया के साथ क्या हुआ है दुर्व्यवहार जी? आवाज नहीं आ रही हमारी? आ रही, आ रही, आ रही है, बोले आ रही है ना। हाँ, अब आता है बात संविधान पर। दूसरा, पहले इससे पहले किसी ने कहा था कि राम राज्य की अवधारणा पर ये काम नहीं करते, आपको याद दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस की ओर से था। हाँ, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं, जब हमारे पहले प्रधानमंत्री हमारे संगठन से हुए, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, हमने राष्ट्रपति बनाया एपीजे अब्दुल कलाम को, जिनको कि ये जिनका नाम लेना पसंद नहीं करते ये लोग। ये वैसे ही नाम नहीं लेना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करेंगे लेकिन ये अब्दुल हमीद के पास की बात कभी नहीं करेंगे। रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं शाहजादे, फिरोज गांधी की बात नहीं करेंगे, कभी उनकी समाधि पर नहीं जाएंगे और बात कर रहे हैं ये। दूसरा, 2014 में हम आए, राम राज्य क्या होता है उसकी परिभाषा बता रहा हूं। देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पर पद पर, हमने महामहिम कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, इन्होंने उनको भी अपमानित किया, ये है इनकी मानसिकता। उसके बाद दूसरे काल में आदिवासी वर्ग से आने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हमने राष्ट्रपति पद पर बिठाया। इनके कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता सदन ने उनके बारे में क्या वक्तव्य दिया था, और बात करते हैं ये अपमान की, हर जगह पर इन्होंने अपमान किया है। और अब आप आते हैं संविधान की, 105 बार से ज्यादा देश की चुनी हुई सरकारों को भंग करें ये, और लोकतंत्र को खतरा हमसे है। 10 साल के शासनकाल में एक बार भी ऐसी स्थिति नहीं आई, हमने कभी भी इस तरह का कोई वो राष्ट्रपति शासन लगाने का कभी भी प्रयास नहीं किया। हमने लोकतंत्र की जघन्य हत्या करने का अपराध इनके ऊपर है। 2.5 वर्षों तक पूरे देश में, ठीक है, को आपातकाल के काले तंत्र में झोंक करके रख दिया। पत्रकार आवाज नहीं उठा सकते थे, लेखकों को अंदर कर दिया। मजरूह सुल्तानपुरी को सिर्फ इस बात पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जेल में डाल दिया था, क्योंकि उन्होंने एक शेर लिख दिया था जो उनके उनकी शान के खिलाफ था। किशोर कुमार को, देवानंद को, मतलब फिल्म इंडस्ट्री से भी आने वाले लोगों पर को प्रतिबंधित कर दिया जी। और संविधान खतरे में हमसे है, संविधान में संशोधन, संविधान और बताता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा और संविधान सभा के द्वारा बनाए गया संविधान की प्रस्तावना, जिसके बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये संविधान की मूल प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है, उस आत्मा को भी झकझोर करके रख दिया और उसमें परिवर्तन कर दिया, और तब किया जब देश का संसद नहीं थी चल रही, ठीक है प्रदीप जी, आपातकाल के दौरान किया। आरोप काफी गंभीर है, खतरे में भाई, जवाब दीजिए, हमको बता रहे हैं बीजेपी, नहीं सर, बीजेपी प्रवक्ता का जवाब दीजिए, बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदल देना अध्यादेश के द्वारा इन्होंने किया काम, और संविधान को खतरा हमसे है, इनके ही इसका जवाब ले लेते हैं बैठे हुए प्रमोद जी, दल से ही एक प्रधानमंत्री, कांग्रेस से इसका जवाब ले लें, और मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के द्वारा पास किए हुए अध्यादेश को कांग्रेस के शहंशाह ने प्रेस वार्ता में फाड़ दिया, और संविधान को खतरा हमसे है। प्रमोद जी, प्रदीप जी, तो जवाब दे दीजिए भाई, बोलने से पहले प्रमोद जी ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस संविधान को खतरा तो आपके समय में रहा है, निश्चित तौर, उन्होंने पूरा वो आंकड़ा भी दिया है जो हकीकत के करीब भी है, हम लोग भी पढ़ते हैं ये सब विचारित चीजें। देखिए प्रमोद जी, गोडसे और सावरकर के वैचारिक वारिस है ये इनके मुंह से अंबेडकर जी की तारीफ, मतलब आज मतलब एक अनहोनी घटना सी लग रही है, ये वही वारिस है जिन्होंने अंबेडकर जी का, जब अंबेडकर जी इस देश में हिंदू कोड बिल लेकर आए थे, ना सिर्फ उनका विरोध किया था पूरे, बल्कि पूरे देश में उनके पुतले जलाए थे, और उससे क्षुब्ध होकर डॉक्टर अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा था। इतना ही नहीं, जब डॉक्टर अंबेडकर नासिक के काले मंदिर में पूजा करने गए थे, तो पूरा का पूरा संघ और इनका इनके पूर्वज हिंदू महासभा के लोग, पूरे देश में उन्होंने अंबेडकर के पुतले जलाए थे। तो ये अंबेडकर की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं कि अंबेडकर का, डॉक्टर अंबेडकर का पुतला जलाते जलाते अभी उत्तर प्रदेश में एक नौजवान दलित साथी
अपनी शादी के लिए घोड़ी पे बैठ कर गया था भारतीय जनता पार्टी गुंडों ने, न सिर्फ उसे घोटी घोड़ी से उठा कर पट मारा था, बल्कि जयंत चौधरी जी सहित तमाम विपक्ष के नेता जब उसके खिलाफ आंदोलन करने गए थे तो उनकी सरकारी पुलिस ने उन्हें लाठियों से पीटा था। ये बात करते हैं दलितों की, ये दलित नौजवान की बात करते हैं, जिस गुजरात को ये मॉडल बना चलते हैं, वहां दलित परिवारों को, जो दलित परिवार के उन लोगों को जो गाय का मरे हुए जानवर का चमड़ा निकालते हैं उन्हें ये लाठियों से पीटते हैं, उन्हें घरों में घुसने नहीं देते। ये बात करते हैं दलितों की, हम बात करते हैं, बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने अभी तक ये नहीं बताया, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले इस देश से वादा किया था 20 करोड़ रोजगार देने का, 12 करोड़ रोजगार आपने छीन लिया। ना देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बोल रहे हैं। महिला सम्मान की बात करते करते आप ब्रजभूषण शरण सिंह जी के पीछे खड़े नजर आते हो, आप जो है कुलदीप सेंगर को बचाते हुए नजर आते हो, आप प्रज्वल रमन्ना को गोद में बैठा के जर्मनी भेज देते हो, और मणिपुर के हिंसा पर आप एक लफ्ज नहीं बोलते हो। उसके बाद आप महिला सुरक्षा पर जो है इस तरह की आपकी हरकतें, और उन पर कोई जवाब ना देश के प्रधानमंत्री देते हैं, न भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता देखता। अडानी अंबानी आप आज कम से कम आपने, देश के प्रधानमंत्री ने ये बात स्वीकार की कि जो सवाल आदरणीय राहुल गांधी जी का था कि इनके पास काला धन है, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये बात देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार की कि अडानी और अंबानी के पास काला धन है और टेम्पो में भर के लेके जाते हैं, ये बात जानकारी के बावजूद भी आज तक उन पर छापे नहीं पड़ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो हम ये क्यों ना माने कि देश के प्रधानमंत्री उस भ्रष्टाचार में शामिल है। सवाल इस बात का है कि आज इन सवालों पर देश के प्रधानमंत्री मौन है, इनके नेता मौन है, और देश की आवाम आपसे पूछ रही है कि आप बता रहे, आपने देश दुनिया की तीसरी अर्थशक्ति बताते आप अभी खुद बता रहे हो कि आपको 80 करोड़ लोगों को भोजन देना पड़ रहा है, आप खुद बता रहे हो, और आप महंगाई दर की बात करने के आप अंतिम लोगों तक पहुंचने की बात कर रहे हो। मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही है, क्यों नहीं आवाज आएगी? प्रधानमंत्री जी को भी नहीं आ रही थी, जरा देखिए भाई, आप देखिए तकनीकी सहयोग से मैं कहूंगा कि जरा आवाज पहुंचे प्रमोद जी तक। नहीं नहीं, व्यक्तिगत व्यक्तिगत विचार मत रखिए कांग्रेस के प्रवक्ता बंधु, व्यक्तिगत विचार क्यों नहीं रखेंगे महोदय, क्यों नहीं महोदय, देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे कि आदरणीय राहुल गांधी जी अडानी अंबानी का नाम पिछले चुनाव से नहीं ले रहे, तो हम बताएंगे कि 2 मई को कर्नाटक में लिया, 3 मई को महाराष्ट्र में लिया, 5 मई को तेलंगाना में लिया, 6 मई को मध्य प्रदेश में लिया, और 7 मई को झारखंड में लिया, हम बताएंगे, और हम पूछेंगे अगर इनके पास काला धन की जानकारी प्रधानमंत्री जी महोदय आपके पास थी तो अभी तक ये बाहर कैसे हैं? आपको ये बताना पड़ेगा इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? देखिए देश केवल इस देश में झूठ बोलने का धारण देश के प्रधानमंत्री को देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को एक सम्राट चैनल पर बैठकर झूठ बोलने का अधिकार नहीं देंगे, ठीक है, हम निश्चित नहीं देंगे, हम बिल्कुल नहीं देंगे, इस देश में झूठ बोलने का अधिकार देश के प्रधानमंत्री को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है, देश के किसी भी प्रवक्ता को सम्मान चैनल पर बैठकर झूठ बोलने का अधिकार हम नहीं देंगे। हम इन सवालों का जवाब चाहेंगे कि आप कुलदीप सेंगर के पीछे क्यों खड़े नजर आए, आप ब्रजभूषण शरण सिंह के पीछे क्यों खड़े नजर आए, आप चिन्मयानंद के पीछे क्यों खड़े नजर आए, आपके किसानों के सीने पर गाड़ी क्यों चढ़ाई, इन सवालों का जवाब क्यों नहीं देते आप? ठीक है ठीक है, इन सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? हम भागने नहीं देंगे आपको, इन सवालों से भागने नहीं देंगे आपको, आपको इन सवालों से हम भागने नहीं देंगे, कतई नहीं भागने देंगे, जरा सुन लीजिए आपको, कतई प्रदीप जी नहीं देंगे, प्रमोद जी के बात भी सुन लीजिए फिर आप जवाब देंगे ना। जवाब 10 साल का कार्यकाल आपका है, देश आपसे सवाल पूछ रहा है, इन सवालों का जवाब कौन देगा? 20 करोड़ रोजगार देने का वादा आपने किया, बुलेट ट्रेन का वादा आपने किया, एक एक करके हाँ प्रमोद जी जवाब दे दीजिए भाई, जो आरोप लगे हैं। हाँ मैं आरोप इन पर लगा रहा हूँ कि 55 वर्षों में ये बतावे 10 साल का हिसाब देंगे महोदय, कहाँ पर पहले सुन लीजिए प्रदीप फिर जवाब दीजिए। एक मिनट मान्यवर, आप चुप रहिए, हाँ ठीक है, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री जनता डांट रहे हैं, आप सम्मान चैनल पर बैठ के डांट रहे हैं, ठीक है, डांटने वाला काम छोड़ दीजिए प्रदीप जी, एक एक करके आप देश के किसानों को डांटते हैं, देश के नौजवानों को डांटते हैं, ठीक है, आवाज उठाते उन्हें डांटते हैं, ठीक है, ठीक है, डांटेंगे कुछ काम भी करेंगे, एक एक करके जनता को समझ में आएगा ना। हाँ प्रमोद जी बोलिए, डांटने के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई काम है? प्रदीप आप लिख लीजिए फिर, हाँ अभी जवाब दे दीजिएगा। हाँ प्रमोद जी बोलिए कंटिन्यू। ये बोल रहे थे अभी
बड़े उत्तेजना में है प्रदीप जी, उत्तेजना में आप हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जवाब नहीं है आपके पास। एक एक करके जरा प्रमोद जी को बोल लेने दीजिए, हाँ फिर जवाब दे दीजिएगा। हाँ चलिए प्रमोद जी, इनको पहले तो थोड़ा सा मैं भी बता दूं, ये चले गए अम्बेडकर तक अभी जी, तो इनको बता दें कि जातिगत जनगणना का विरोध राहुल गांधी को आज खड़े होकर जनता के सामने ये कहना चाहिए कि मेरे नाना गलत थे, उन्होंने 1961 में विरोध किया। इनको जातिगत जनगणना पर खड़े होकर के मंच से खुलेआम ये कहना चाहिए था कि मेरे पिता ने गलत किया। कोर्ट बिल का विरोध आपके पूर्वजों ने किया या नहीं किया, एक मिनट आप बताइए, सवाल इस सवाल का सीधा जवाब दीजिए, सीधा जवाब दीजिए, आपने हिंदू कोर्ट बिल का विरोध किया या नहीं किया? एक एक करके डॉक्टर अंबेडकर का नासिक के काला मंदिर में पूजा अर्चना का विरोध किया या नहीं किया? प्रदीप ये सवाल, ये सवाल आप पूछ लीजिएगा, प्रदीप ये सवाल पूछ लीजिएगा, एक एक करके बोलेंगे जवाब नहीं दे रहे हैं, नहीं जवाब दे देंगे प्रमोद जी, दे देंगे, झूठ बोलने का अधिकार देश के प्रधानमंत्री, पहले रुक जाइए, एक एक करके बोलेंगे ना, तो ऐसे ऐसे चिकन चिल्ली में तो फिर आपके सम्मान चैनल पर बैठकर झूठ बोलने का अधिकार नहीं देंगे। ठीक है ठीक है, प्रमोद जी को बोल लेने दीजिए पहले, हाँ प्रमोद जी बोल लीजिए, फिर प्रदीप आप नोट कर लीजिए। हाँ प्रदीप जी हो गया या अभी और 5-7 मिनट बोलना है? तो नहीं, आपका प्रवचन लगातार हम सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, नहीं आपको आपको जवाबों का जवाब देना होगा, नालायक प्रवचन सुनने के लिए ठीक है, केवल देश के प्रधानमंत्री का सुना जाएगा। आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप में 5 मिनट निकल गया, हाँ प्रमोद जी बोलिए। नहीं नहीं एक मिनट, अगर ये प्रवचन जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो मैं नहीं नहीं ठीक है, केवल देश के प्रधानमंत्री का सुना जाएगा, हर आदमी प्रदीप प्रदीप प्रवचन केवल देश के प्रधानमंत्री का सुना जाएगा, अपना वक्तव्य देना है डिबेट में, हाँ प्रवचन नहीं, हाँ ठीक है प्रमोद जी, प्रमोद जी ठीक है ठीक है, हमारी नेता को जर्सी गाय कहते हैं ऐसे नहीं, अच्छा ठीक है इन व्यक्तिगत टिप्पणियों पर ना जाए, हम मुद्दों पर आए, हम मुद्दों पर आए, भाई जनता तक हम मुद्दा पहुँचाना चाह रहे हैं, ठीक है प्रमोद जी बोलिए, गले की नस फट जाएगी प्रदीप जी, नहीं नहीं ठीक है, प्रधानमंत्री की बट रही है, सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है किसानों के सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, नौजवानों के सवालों का जवाब, अब आप दोनों शांत रहिए, जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास चलेंगे, चंचल आवाज आ रही है, चंचल जवाब हो गया क्या? हाँ ठीक है प्रदीप जी, आप नोट कर लीजिए, प्रमोद जी जो बोलेंगे उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा तो जनता को समझ में आ जाएगा, नहीं ठीक है, प्रमोद जी बोलिए, बोल रहे आप जी जी जी, कह दिया प्रदीप जी अगर अनुबंध फिर आप छेड़ेंगे तो बात वही जाएगी ना, आप अपनी बात रखिए, छेड़ नहीं रहा हूँ मैं तो, नहीं आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए, प्रदीप जी को मैंने बोल दिया, मैं उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हो रहा हूँ, हिंदू कोर्ट बिल पर जरूर बता दीजिए, हिंदू कोर्ट बिल का विरोध क्यों किया था बता दीजिए, ठीक है वो नोट कर लेंगे, बता दीजिए, हिंदू कोर्ट बिल लाने वाले ही क्यों थे आप, लेकर के क्यों आए हिंदू कोर्ट बिल, देश की महिला देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए ला रहे थे जिनका आपने विरोध किया था, ये बात सही है ना, एकदम सही बात आपकी जुबान पर आई है, आप बताइए कि नासिक के काला मंदिर पर डॉक्टर अम्बेडकर ने पूजा अर्चना का हिंदू महात्मा ने विरोध क्यों किया था बताइए, आपने बना दी तो आपने कहा कि आपसे मांगा नहीं, बताइए बताइए, एक एक करके, एक एक करके सामने आ गया, ठीक है देश के सामने सच सामने आ गया, ठीक है नहीं, हाँ आप कैसी बातें कर रहे हैं प्रदीप जी, आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है थोड़ा सा संयम रखिए, बात की बात कर रहे हैं देश के, चलिए चलिए आप लोगों ने लगातार नौजवानों को, आप लोगों ने आप दोनों ने आरोप प्रत्यारोप में ही पूरा समय निकाल दिया, आप दोनों ने आरोप प्रत्यारोप में ही पूरा समय निकाल दिया, अशरफ साहब 30 सेकंड में मैं टिप्पणी चाहूंगा कि भाई हर डिबेट का यही हस्र होता है, मुद्दा कुछ होता है सियासी दल कहीं से कहीं लेके चले जाते हैं मुद्दों को, जो लोग बोलते हैं लोग बात को समझ नहीं रहे, बीच चुनाव में इस तरह की कोई भी बात आप लेके आएंगे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, जनता ने अपने मुद्दे को डिसाइड कर लिया, अब मैं खाली एक बात कह रहा हूँ आपसे जी, अभी कहना था हमारे भाजपा प्रवक्ता को कि कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवररूल कर देती है, अरे आपको समझना चाहिए था कि आपने तो अभी रिसेंट ओवररूल किया है, इलेक्शन कमीशन के उसमें लाके जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को होना था आपने उसके ऑर्डर को ही नहीं माना, तो ये बात तो कहना बेमानी है, जब उसमें आप जाएंगे तो सारे एक ही पैमाने को उतरते हो, उस कांग्रेस आप विरोध कर रहे थे एफडीआई का एफडीआई लेके आए, आप जीएसटी का विरोध कर रहे थे जीएसटी लेके आए, सब कुछ आपने वही किया, प्रॉब्लम आपकी फंस गई है कि जो रोजगार और महंगाई ये तो इतना बड़ा इशू है कि इसको जनता को तय करने दीजिए, अब आप मंदिर लाइए मस्जिद लाइए मुसलमान लाइए कोई फर्क इन सब बातों को नहीं पड़ने वाला, वक्त यहीं तक इजाजत देता है, ठीक है वक्त यहीं तक इजाजत देता है, भाई आरोप लगेंगे तो प्रत्यारोप भी होगा, और निश्चित तौर पर कोई भी सियासी दल ऐसा नहीं है जिनके लिए सवाल नहीं खड़ा होता है, ऐसे में निश्चित तौर पर अशरफ साहब का कहना बिल्कुल सही है कि जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं उसके इर्द गिर्द ही मामला रहे तो बेहतर होगा,
आप उन किसी दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो वो भी बयानों से आपके ऊपर हमला करेगा। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर चुनावी मंच है और इस तरह का गर्मा गर्म बहस का दौर जारी रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर एक सियासी दल चाहता है कि उसका मुद्दा ही जनता तक पहुँचे और जनता उसका समर्थन करे। लेकिन इन सब के बीच बार बार मैं ये चाहता हूँ कि जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को ही सियासी मंच पर स्थान मिले तो बेहतर होगा। जनता सीधा सीधा अपने जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर ही तवज्जो देती है। इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।